हजारीबाग जिले में जहां इस बार मौसम की बेरुखी से किसान परेशान है, खेतों में धान रोपने लायक पानी ही नहीं। धान की बात तो दूर, बिचड़े भी बच जाए तो बहुत है। उन्हें बचाने के लिए टैंकर से उसमें पानी का पटवन किया जा रहा है। यही वजह है कि हजारीबाग के किसान धान की फसल को लेकर चिंतित हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और इस सावन का महीना में अभी तक बारिश का जो स्थिति है सो एकदम कुछ नहीं है, और सावन 8 दिन 10 दिन जाते जाते 40% तक रोपा या खेत में पानी रहने पर रोपा रोप दिया जाता था, और अभी तो कुछ नहीं है। और हम लोग पहले भी बिहन किए हुए हैं, आज 20 दिन हो चुका है, बिहन भी पानी नहीं मिलने के कारण उसका भी ग्रोथ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ कटकम सांडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कम बारिश की स्थिति से निपटने के लिए किसानों को प्रेरित करने का जिम्मा उठाया है। वो खुद धान रोपने के लिए खेतों में उतर पड़े। उन्होंने किसानों को बताया कि परंपरागत तरीके से धान की खेती इस बार होना मुश्किल है क्योंकि वर्षा उस लायक नहीं हुई। ऐसे में अगर हम परंपरागत तरीके से धान की बुआई की जगह श्री विधि से बिचड़े की बुआई करें तो कम पानी में भी फसल पैदा की जा सकती है। और किसानों के बीच इसी बात को बताने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 4 घंटे तक धान की बुआई की, जिसे देखकर सभी किसान हैरान थे। विगत वर्षों में आप देख रहे होंगे कि वर्षा की अनियमितता है और वर्षा समय से नहीं होने के कारण कई बार किसान को उचित फसल नहीं मिल पाता है। तो ये हम लोग वैज्ञानिक तरीके से ये कृषि अगर करेंगे श्री विधि के माध्यम से तो फसल भी होगी और कम वर्षा होने से भी फसल उनकी मरेगी। इस कारण से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कटकम सांडी के जितने लोग हैं इससे प्रेरित हों, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि प्रखंड स्तर पर इसमें जागरूकता चलाएं, और हमारे BDM ATM मेरे सारे लोग कृषि विभाग के जो है कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को इससे जागरूक करें और फसल को हम लोग बेहतर बनाएं। एक ओर जहां किसान बारिश की बेरुखी से परेशान है तो वहीं एक सरकारी अफसर का उन्हें सही दिशा दिखाना पदाधिकारी और आम आदमी के बीच आत्म रिश्ता कायम कर रहा है। उम्मीद है कि ऐसे ही नजीर जिले के बाकी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में पेश करेंगे। हजारीबाग से अमित की रिपोर्ट।